शाहजहांपुर में और गाजीपुर में पलवल में जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ वॉलंटियर्स को जिन्होंने इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद की, और हॉकी की टीम्स का जिन्होंने दिन रात एक करके इस मैच में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारी मदद की। तो अब मैं ये करूंगा हमें दादा जी वो अपने तरफ से कुछ करें। एक बार इंट्रोड्यूस कर दो दादा साहब। आप हनुमान मौला जी बोलेंगे, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, आठ बार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं हनुमान मौला जी। हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेवाल जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकिया बनाएंगे। साथियों, पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा देशवासी मीडिया और किसान जो संघर्ष किया सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आज जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकतावद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिन्दुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है, मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, एक नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाला दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और इसके इस लड़ाई को जो नेतृत्व किया आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी दोबारा हमारा सरकार का जो काम उसको निगरानी करके उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। अब गुरनाम सिंह जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए आगाम खाते हो, सभी का धन्यवाद तो माननीय राज्यवाद जी ने कर दिया है, सभी संस्थाओं का जिन्होंने सहयोग किया है मोर्चे की तरफ से धन्यवाद कर दिया है। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित कर किया है, और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम शेयर करते हुए फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है, अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। और जो सब दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन ने झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें देश के किसान संगठनों के मंच पर आए हैं, और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो 2005 जून 2020 को जो उन्होंने कानून बनाए थे, अभी तो वही वापस लिए हैं,
उसके पहले की जो स्थिति किसानों की जिम्मे भी इससे हुई थी उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है और उसको कदम पर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हर महीने जो है वो समीक्षा करके देखते रहेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया है और उसके बाद अगला कदम जो है वो उठाते रहेंगे। तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो हम यहाँ स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप कह रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं स्थगित कर रहे हैं और पूरे जो मुकदमे किसानों पे उनके सहयोगियों पे एनआरआई पे किसी कर्मचारी बताए पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो शहीदों पर मुआवजा ये सभी मांगे सरकार ने जो है मांगी है और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हमारे स्तर पर खाते लगे हम कदम शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से हैं, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। बंधुओं नमस्कार, हमारे सभी साथियों ने सभी सहयोगियों को जो आंदोलन में सहयोग करते रहे हैं उनका आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। मैं संक्षेप में इतना कहूंगा कि देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है उनसे हम माफी मांगते हैं क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ड्राफ्ट का जहां तक सवाल है जो हमारा चलता रहा आप लोगों के पास, हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है उसमें सुप्रीम कोर्ट की ने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि 1000 रुपये जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार ही पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया, हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है, उस पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बंधुओं 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है क्या किया है उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया और अवेयर किया। धन्यवाद। डॉक्टर दर्शन पाल आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, आप सबसे पहले पहले तो आप जानते हैं कि 19 नवंबर को 3 कानून कृषि कानून मोदी जी ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन करके वो वापस ले लिए थे। फिर हमारी तरफ से 21 तारीख को एक लेटर लिखी गई जिसमें 6 बिंदु हमने उठाए थे और उसमें पक्का आदान प्रदान होते रहे। उसमें एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई करनी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा यूपी हिमाचल उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि अब मेरे
फिर वापस लो, फिर वापस लिया जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली है, या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेट होल्डर के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक जीत है, और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। अब मैं राकेश टिकैत जी से कहूंगा वो दो शब्द रखें, और उसके बाद में अंत में कुछ सूचनाएं आपको देते हुए हम इस बातचीत को अपनी तरफ से रखेंगे। फिर उसके बाद जो अशोक धाबले जी पत्रकार भाई और बहनों, आज के बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को